वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं या आप जर्नल एंट्रीज करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करूंगा उसका जर्नल एंट्रीज आपको सिखाऊंगा कि ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का ऑलरेडी क्या किया मैंने वीडियोज बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 11 अकाउंटेंसी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का वीडियोस क्या है अपलोड है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों क्या है अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो क्या करेंगे जाके देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन 5 और इसके बाद में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने लिया है आपका डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है एस बी पीडी पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूँ मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। देखिए आपके सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चंस को क्या किया बोर्ड पे लिख दिया है, इधर आपका ट्रांजेक्शन रहेगा और इधर हम लोग क्या करेंगे जर्नल एंट्रीज, इससे आपको समझने में क्या होगा आपका आसानी होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या बोलता है 2020 यानी 2020 का ट्रांजेक्शन है, ये सब क्या है 2020 का क्या है आपका ट्रांजेक्शन है। मार्च 1 को बोलता है सुदेश कॉमनेस्ट बिजनेस विथ कैश, यानी जो सुदेश कौन है आपका ऑनर है मालिक है राइट प्रोप्राइटर है, तो सुदेश ने क्या किया है मार्च 1 तारीख को बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। कितना लगाया बिजनेस में 1,20,000 राइट। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका कैश, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, देने वाला कौन है सुदेश, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि जो ऑनर होता है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके नाम से अकाउंट हम लोग खोलते नहीं है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वीडियो जाके क्या करेंगे आप देख लेंगे राइट। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या 2020 राइट, और कौन सा है आपका मार्च, कौन है आपका मार्च ठीक है जी मार्च है। तो आप लोग क्या करेंगे मार्च का एंट्री लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले बिजनेस में क्या आएगा कैश, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट राइट, और देने वाला कौन है सुदेश, सुदेश आपका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, लेकिन सुदेश को हम लोग नहीं लिखेंगे ऑनर है, ऑनर का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उससे रिलेटेड अकाउंट खोलते नहीं है, उसको स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वर्ड क्या मेरा कैपिटल, तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर राइट। तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 1,20,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा 1,20,000। यहाँ सुनिए हम तो इस तरह से बना रहे हैं ना टाइम को बचाने के लिए, आप जो जर्नल का 5 कॉलम्स होता है ना डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, उसमें बनाइएगा सुंदर ढंग से पूरा नरेशन वगैरह क्या कीजिएगा लिखिएगा, और वो सब कैसे जर्नल के फॉर्मेट की रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं उसका वीडियोस अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में, आप जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। मैं अभी एंट्री करके सबका बताते चला जाता हूँ ठीक है। उसके बाद कौन सा है 2 तारीख है, फिर कौन सा है आपका 2 तारीख, 2 तारीख को बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा, तो बिजनेस में क्या आया गुड्स रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखते हैं हम लोग परचेजेस, तो हम लोग लिखेंगे क्या परचेजेस, क्या लिखेंगे हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे कैश के फॉर्म में खरीदे ना तो कैश, तो परचेजेस मेरा नॉर्मल अकाउंट, हमने गुड्स को परचेज किया है तो एक्सपेंसेस नॉर्मल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से कैश गया रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट राइट। तो हमने कितना किया आपका 15,000, और यहाँ भी मैंने क्या किया आपको 15,000 राइट। फिर आपका 2 तारीख हो गया ना, आपका मार्च वाला हो गया 2 तारीख, अब कौन सा 5 तारीख, तो हम लोग 5 तारीख का एंट्री पास करेंगे। देखिए बोलता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद सामान बेचा, तो बिजनेस में क्या आया कैश, कैश रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, बिजनेस से क्या गया गुड्स रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, लेकिन जब बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं, खरीदेंगे तो परचेजर, ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो आपका क्या लिखेंगे हम लोग कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट राइट।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, सेल्स नॉमिनल अकाउंट बेचे तो प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट इनकम वाला को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट, राइट। तो आपका क्या हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना 13,000 ना, तो हम लोग लिख देंगे कितना 13,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 13,000, राइट। उसके बाद देख लीजिए कौन सा डेट है, उसके बाद है आपका 7 तारीख, कितना है आपका 7 तारीख, और देखिए 7 तारीख को दो ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड टू सुधीर, सुधीर को कितने का बेचा आपने 12,000 का, और सोल्ड गुड्स टू भूभूति, भूभूति को कितना बेचा आपने 11,000 का एक ही डेट में, और दोनों उधार है, नाम दे दिया, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। गुड्स को बेचने से रिलेटेड, गुड्स को खरीदने से रिलेटेड कितने तरह का कंडीशन उत्पन्न हो सकता है सारा वीडियो क्या है अवेलेबल है सेपरेट, परचेस रिलेटेड क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन सकता है उसका जर्नल एंट्रीज, बेचने से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन सर्कमस्टांसेस बन सकता है उसका जर्नल एंट्रीज पूरा सेपरेट वीडियो क्या है अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। तो सामान बेचा किसको सुधीर को, तो पाने वाला कौन है सुधीर, हम लोग क्या लिखेंगे सुधीर, सुधीर अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, उसके बाद कौन है मेरा विभूति, तो हम लोग करेंगे विभूति, विभूति अकाउंट क्या करेंगे हम लोग डेबिट, और हमने बेचा है ना तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, एक ही साथ कर लेंगे, कोई कोई क्या करता अलग करता है इस तरह से, सुधीर से अकाउंट डेबिट टू सेल्स और फिर विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दो एंट्री क्यों करेंगे कंपाउंड एंट्री तो हम लोग जानते हैं हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। देखिए आपने विभूति को कितने का सामान बेचा है 11,000 का, राइट, और उसके बाद आपने किसको बेचा है सॉरी विभूति सुधीर है ना, सॉरी सुधीर को कितने का बेचा है 12,000 का, सुधीर को कितने का बेचा हम लोगों ने 12,000 का, और विभूति को कितने का बेचा है 11,000 का, तो 12,000 को सुधीर का बेचा 11,000, टोटल कितना हो गया मेरा सेल्स 23,000, कितना हो गया मेरा 23,000, राइट। सुधीर विभूति पाने वाला, ठीक है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स इनकम है और इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, राइट। तो आपका 7 तारीख का एंट्री हो गया, अब हम लोग बात करते हैं 10 तारीख, 10 तारीख को देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से सामान खरीदा, नाम लिख दिया हीरालाल, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो मेरे पास क्या आएगा गुड्स, लिखेंगे क्या परचेजेस, क्या लिखेंगे खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल्स, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है आपका हीरालाल, कौन है आपका हीरालाल से अकाउंट, राइट, क्या लिखेंगे हीरा लाल से अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हीरा लाल से अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा 15,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 15,000, परचेजेस डेबिट किए क्योंकि मैंने खरीदा है, तो एक्सपेंसेस आपका नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, देने वाला कौन है हीरा लॉस, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है, तो आपका हो गया 15,000, ये वाला भी कम्प्लीट हो गया ना, हम इसको टिक मारते जाते हैं ना, चलिए उसके बाद देखिए 15 तारीख को मैंने दो चीज खरीदा है, एक खरीदा आपका स्टेशनरी, ठीक है, पेपर पेन इंक ये सब आपका यूज होता है ना, स्टेपलर वगैरह, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टम्प्स, आपको कहीं भेजना होगा लेटर वगैरह तो आपने टिकट्स वगैरह पोस्टर्स वगैरह ये सब क्या किया है खरीदा है, खरीदा है तो ये सब हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल अकाउंट है ना, तो एक ही देखिए हम क्या करते हैं एक ही डेट में दोनों को एंट्री कर देते हैं, पहला किस इस पे खर्च किया स्टेशनरी पे, तो लिखेंगे क्या स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, राइट, और फिर क्या करेंगे पोस्टेज, फिर क्या करेंगे हम लोग पोस्टेज एंड स्टम्प्स अकाउंट, बात समझे, पोस्टेज एंड स्टम्प्स अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी कितने का है 1100 का, राइट, और उसके बाद पोस्टेज एंड स्टम्प्स कितने का है 150 का, तो आपका क्या हुआ और मेरे पास से क्या जाएगा बिजनेस से क्या जाएगा कैश, बिजनेस से क्या जाएगा मेरा कैश, तो आपका 1100 और 1250 टोटल कितना जाएगा 1250, राइट, 1100 150 1250 स्टेशनरी और पोस्टेज एंड स्टम्प्स एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। उसके बाद 15 तारीख हो गया, उसके बाद कौन सा डेट है मेरा 20 तारीख, कौन सा 20 तारीख, देखिए सुधीर पेड यानी सुधीर ने दिया, पहले कौन सा है आपका नाउन और उसके बाद कौन है वर्ब, तो सुधीर पेड यानी सुधीर ने दिया, सुधीर ने आपको कितना दिया 10,900, कितना दिया 10,900 और आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया 1100, तो बताइए सुधीर ने दिया तो मेरे पास क्या आया कैश, मेरे पास क्या आया आपका कैश,
तो कैश अकाउंट डेबिट और माइनस को डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और उसके बाद कौन है, कौन दिया मेरे को, सुधीर, कौन दिया मेरे को, सुधीर, राइट, कौन दिया मुझे, सुधीर। तो कैश कितना आया देखिए, 10,900, कैश कितना आया 10,900, और मैंने उसको कितना का डिस्काउंट दिया, 1,100, तो आपका हो गया 12,000। टोटल कितना हो गया, सुधीर से सेटलमेंट कितना हो गया आपका 12,000। और देखिए हमने सुधीर को 12,000 का गुड्स क्या किया था, बेचा था उधार, राइट, तो वो क्या किया 10,900 दिया और मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया 1,100, तो फाइनल सेटलमेंट कितना हो गया आपका 12,000 का, राइट, कितना हो गया मेरे को 12,000 का। और देखिए मैंने पहले बोला है कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, कैश अगर क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा। कैश आया है रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, और स्पेशल लॉसेस आर डेबिट, और आपका सुधीर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूँ, सुधीर पे तो पहले नाउन बाद में आपका वर्ब, तो सुधीर ने दिया, अगर ऐसे रहे पहले आपका वर्ब, पहले वर्ब सुधीर, पेड टू सुधीर, अगर ऐसे रहता पेड टू सुधीर, यानी मैंने सुधीर को दिया, यानी पहले वर्ड बाद में नाउन, यानी मैंने दिया, और अगर ऐसे लिख दे, क्या लिख दे आपका ऐसे, सुधीर पेड, इसका मतलब सुधीर ने दिया मेरे पास आया, अब पेड टू सुधीर यानी मैंने सुधीर को दिया। तो याद रखिएगा कि पहले आपका वर्ड है या आपका पहले वर्ब है या पहले क्या है आपका नाउन है, इस पे क्या करेंगे ध्यान देंगे, राइट। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 25-30 और करेक्शन नंबर 25-30 और 31 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम लोग आपका कहां तक एंट्री हो चुका था, आपका 20 तक एंट्री हो चुका था, मार्च 20 तक। अब 3 एंट्रीज और बचा, मैं जल्दी से उसको भी क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। बोर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने क्या किया, पहला जो एंट्री किया था ना 20 मार्च तक, उसको क्या किया मिटा दिया, राइट। तो देखिए हम लोग बात करते कहां से, 25 से, तो हम लोग लिखेंगे क्या, वही आपका 2020 था ना, 2020, और कौन था मेरा मार्च, कितना था आपका 25, कितना था मेरा 25। देखिए बोलता है कि आप वेजेस दिया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस नॉमिनल अकाउंट, और आपका एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, और बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट और टू मेरा क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 1,100, और ये कितना हो जाएगा मेरा 1,100, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका 30 तारीख, कौन सा है आपका 30, आपका कौन सा है मार्च, आपका क्या है 30, क्या है आपका मार्च। तो 30 मार्च को देखिए क्या बोलता है, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद, ध्यान सुनिए, कोई भी एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं या कोई भी इनकम किससे मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है। एक बार फिर से, कोई भी एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आप किसको दे रहे हैं नाम से मतलब नहीं होता है, किस चीज पे खर्च कर रहे हैं उससे हमको मतलब होता है। तो एक्सपेंसेस या इनकम किसको दे रहे हैं या किससे रिसीव कर रहे हैं नाम से मतलब नहीं होता, याद रखिएगा। तो देखिए आपका बोलता है रिसीव कमीशन फ्रॉम किशनचंद, तो हमको नाम से मतलब नहीं है कि किससे रिसीव हुआ, हमको रिसीव क्या हुआ है कमीशन, तो कमीशन मिला तो बिजनेस में क्या आएगा आपका कैश, कैश रियल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा व्हाट कम्स इन, और किस चीज पे मिला है कमीशन पे, किस चीज पे मिला हमको कमीशन, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितना मेरा को 1,250, कितना हो गया 1,250, ये भी कितना हो गया 1,250। एक बार फिर से, कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं किससे मिल रहा है नाम से मतलब नहीं होता है। तो कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट, राइट। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन और है, एक ट्रांजेक्शन और है, कौन है आपका 31 तारीख, पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर, आपका बिजनेस है, बिजनेस में प्रकाश है जो मैनेजर है उसको आपने क्या दिया सैलरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एक्सपेंसेस है ना, तो आपको नाम से मतलब नहीं होगा, आपने किस इस पे खर्च किया है सैलरी पे, तो हम लोग लिखेंगे क्या सैलरी अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे हम लोग
कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आपका 11,000, कितना हो गया मेरा 11,000 और कितना हो गया 11,000। सैलरी नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से क्या जाएगा कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सीखेंगे, 6। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। राइट, देखिए मैंने क्या किया, आपकी सुविधा के लिए ट्रांजेक्शन को क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया है, एक तरफ ट्रांजेक्शन और एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। राइट, तो देखिए सबसे पहले बोलता क्या है, प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ केके कंपनी फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। ये आपका केके कंपनी या केके कॉर्पोरेशन, राइट, जो भी है, तो आपका केके कंपनी के बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जर्नल अगर आप एंट्रीज करेंगे तो जो 5 कॉलम्स है, डेट पार्टिकुलर, आपका एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्ट आपको जर्नल एंट्रीज बताएंगे, आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ केके कंपनी, 5 कॉलम्स बनाएंगे और एंट्री पास करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोलता है 2019, तो हम भी लिख देते हैं 2019। उसके बाद बोलता है दिसंबर, क्या बोलता है, दिसंबर 1 को बोलता है आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, आपका 50,000 से क्या क्या स्टार्ट किया है, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा मेरा, कैपिटल अकाउंट। राइट, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना है मेरा 50,000, तो 50,000 यहाँ पर भी 50,000, कैश रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है आपका मालिक, आपका पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो एंट्री है आपका 6 दिसंबर को है, क्या बोलता है, पेड इन टू बैंक, बैंक में आपने क्या किया है, पैसा को जमा किया है, तो जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपका पाने वाला कौन है आपका बैंक, और बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, मैंने पहले कॉन्सेप्ट दिया है, और पाने वाला भी कौन है आपका बैंक, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो गया मेरा 20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग 20,000, बैंक पाने वाला, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। राइट, ये हो गया मेरा। उसके बाद क्या बोलता है, अब जो दिसंबर कौन है मेरा 8, तो 8 दिसंबर को देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने क्या किया, गुड्स को परचेज किया कैश के फॉर्म में, तो मेरे पास आया क्या, गुड्स यानी परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जाएगा आपका कैश, मेरे पास से क्या जाएगा आपका कैश, तो आपका एंट्री क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना मेरा 4,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 4,000, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से कैश गया, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, उसके बाद कौन सा बोलता है, देख लीजिए आपका 9 तारीख को बोलता है पेड टू राम, राम को दिया, पाने वाला कौन है राम, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, राम को आपने कितना दिया, आपने उसको दिया 1980 रुपया और उसने आपको डिस्काउंट कितना दिया 20 रुपया, कितना दिया 20 रुपया, तो पाने वाला कौन है राम, तो लिखेंगे क्या, राम्स अकाउंट डेबिट। राइट, उसके बाद मेरे पास से क्या जाएगा टू कैश अकाउंट, और हमको डिस्काउंट मिला है ना, तो मेरे लिए इनकम, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट, पाए है ना, तो रिसिप्ट देंगे तो अलाउड। ठीक है जी, तो आपका बताइए कैश मेरे पास से कितना गया 1980 रुपया, राइट, और डिस्काउंट मेरे को कितना मिला 20, तो फाइनल सेटलमेंट कितना हो गया 1980 और 20, कितना हो गया मेरे को 2000।
कितना हो गया मेरे को 2000। तो राम पाने वाला पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो मैंने क्या किया बता दिया, तो आपका हो गया। उसके बाद कौन सा एंट्री है मेरा देख लीजिए, उसके बाद कौन सा एंट्री है मेरा कैश सेल्स, कौन सा है कैश सेल्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कैश सेल्स। नगर सामान बेचेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा कैश, क्या आएगा कैश, और हमारे बिजनेस से क्या जाएगा गुड्स, लेकिन बेचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग सेल्स, राइट। तो कैश कितना बेचा देख लीजिए 3000, कितना मेरा 3000, ये भी कितना मेरा 3000। कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कौन सी, सेल्स बेचे तो इनकम नॉमिनल अकाउंट और इनकम एंड प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा। उसके बाद कौन सा 12 तारीख सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, आपने हरी को बेचा है, हरी को बेचा किस फॉर्म में कैश। कैश ट्रांजेक्शन होगा तो नाम से मतलब नहीं होता है, राइट। कैश ट्रांजेक्शन होगा तो नाम से मतलब नहीं होता है, कैश आपने किसको बेचा या कैश किससे खरीदा नाम से मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आपने नगद सामान बेचा तो बिजनेस में क्या आया कैश। कौन सा तारीख है मेरा देख लीजिए 12 तारीख, कौन सा तारीख है मेरे को 12 तारीख। तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, बेचे है ना, तो सेल्स अकाउंट कितना बेचे देख लीजिए, कैश बेचे कितना 2000 को, कितना 2000, यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 2000। बात समझे, यहाँ पे कोई कोई बच्चा हरी लिखता है, हरी से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गलत हो जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन में नाम से मतलब नहीं होता है, कैश है ना। तो आपका क्या हो गया, आपका कैश अकाउंट डेबिट टू आपका कौन सा हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है, सोल्ड गुड्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा आपका देख लीजिए 15 तारीख परचेस गुड्स फ्रॉम राम, देखिए राम से खरीदा, कैश का जिक्र नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, मेरे पास आएगा क्या गुड्स, यानी लिखेंगे क्या परचेजेस, क्या लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है राम, कौन है आपका राम, ठीक है। तो परचेजेस देखिए एस थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया मेरा राम्स। तो आपका राम्स कितना खरीदा 4000 का, तो 4000 यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग 4000। तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसिव लॉसेस आर डेबिट, खरीदे तो एक्सपेंसिव हुआ है, राम आपका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है आपका राम, तो ये हो गया। उसके बाद 18 तारीख का एंट्री देखते हैं, 18 दिसंबर को पेड वेजेस टू वर्कर्स, आप मैंने बोला भी तुरंत एक्सपेंसेस या इनकम किसको दे रहे हैं किससे ले रहे हैं नाम से मतलब नहीं होता है, तो आपने किसको दिया वर्कर्स, वर्कर्स हमको मतलब नहीं है, किस इस पे खर्च किया वेजेस पे, तो हम लोग लिखेंगे क्या वेजेस अकाउंट डेबिट और टू मेरे पास से क्या जाएगा कैश अकाउंट, राइट। तो वेजेस कितना है देख लीजिए, आपका क्या पेड वेजेस टू वर्कर्स कितना 300, तो आपका हो गया 300, यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा 300। वेजेस नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसिव लॉसेस आर डेबिट, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है जी। ये मेरा बन गया, आपका कितने तारीख का था 18 हो गया ना, अब हम लोग कौन सा तारीख का देखेंगे आपका 20 तारीख। 20 तारीख में देखिए आपको पंकज से कितना मिला 900 और आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया है 100, तो आपका यहाँ पे एंट्री कर देते हैं पंकज वाला 20 तारीख। तो पंकज से मिला है तो मेरे पास क्या आएगा कैश अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, फिर क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, और देने वाला कौन है आपका पंकज है ना, तो लिखेंगे पंकज अकाउंट, क्या लिखेंगे पंकज अकाउंट, राइट, क्या लिखेंगे पंकज अकाउंट। तो मेरे पास कैश कितना आया देख लीजिए 900, कैश आया 900, मैंने डिस्काउंट कितना दिया 100, तो फाइनल सेटलमेंट पंकज से कितना हो गया 1000। कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, मैंने डिस्काउंट दिया है नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, देने वाला कौन है पंकज, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और मैंने पहले बोला कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश और डेबिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, देखिएगा 900 100 आपका 1000 डेबिट में और 1000 कहां हो गया आपका क्रेडिट में, राइट। तो इस तरह से अभी तक 20 तक ट्रांजेक्शन मैंने कर लिया है, ये भी ट्रांजेक्शन तुरंत मैं करके बताता हूँ, जल्दी से इसका क्या कर स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग 20 तक ट्रांजेक्शन कर चुके थे, अब हम लोग कहां से करेंगे आपका 22 से, देखिए बोलते हैं ड्यू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, बैंक से निकाल के लेके कहां आया बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या आया कैश, देने वाला कौन है बैंक, तो आपका हो जाएगा देख लीजिए 22 तारीख है ना, तो मैं लिखूंगा दिसंबर 22, क्या होगा एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है आपका 3000, कितना है आपका 3000, कितना है आपका 3000। बिजनेस में क्या आया कैश, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, देने वाला कौन है बैंक, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। और बैंक में पैसा कमाना तो कमता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद कौन सा है आपका 25 तारीख, कौन सा हो गया मेरा 25 तारीख। 25 तारीख को देखिए बोलता है क्या है, पेड टू राम बाय चेक। आपने राम को किससे पेमेंट किया है, चेक से। तो पाने वाला कौन है मेरा राम, पाने वाला कौन है मेरा राम्स अकाउंट क्या हो गया डेबिट। और चेक से पेमेंट किया तो राम चेक लेके कहां जाएगा बैंक में, वहां से पैसा क्या करेगा मेरे अकाउंट से निकाल लेगा, मेरे अकाउंट से निकालेगा तो मेरे बैंक में पैसा क्या हो जाएगा कम जाएगा। देने वाला कौन है बैंक, तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे आपका राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 500 और 500। राम पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, देने वाला कौन है बैंक, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो आपका हो गया, उसके बाद कौन सा देख लीजिए 27 तारीख, कौन सा 27 तारीख, 25 हो गया ना, 25 हो गया, हाँ ठीक है 27 तारीख। 27 तारीख बोलते हैं ड्यू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो कहां से निकाला होगा, बिजनेस से, बैंक का जिक्र नहीं है याद रखिएगा। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला तो कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं ड्रॉइंग्स, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 200, कितना हो गया मेरा 200, कितना हो गया मेरा 200। बैंक से निकालता तो टू बैंक, लेकिन यहाँ पे बैंक का जिक्र नहीं है, इसका मतलब बिजनेस से निकाला तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। निकाला कौन मालिक, ड्रॉइंग्स, पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर, बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो 27 का भी हो गया, अभी लास्ट बचा कौन सा मेरा 31। आपने 31 तारीख को देखिए सैलरी दिया रेंट दिया, सैलरी दिया आपने 5000 और रेंट कितना दिया 1100, दोनों मेरा नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। तो हम लोग एंट्री पास क्या करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, राइट। तो सैलरी देख लीजिए कितना, सैलरी कितना है मेरा 5000 और रेंट कितना है मेरा 1100, तो टोटल कितना हो गया 6100, 5000 और आपका 1100, 6100। तो इस तरह से 20, 25, 27, 31 है ना, 22, 25, 27, 31, ठीक है। सारा जर्नलिटीज मैंने कर दिया, स्क्रीनशॉट लेने इसका, राइट हम मान के चलते इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्या किया आपको जर्नल एंट्रीज कर दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन है आपका, आपका जर्नल क्लास 11 का अकाउंटेंसी का, क्लास 12 अकाउंटेंसी बीकॉम, सारे वीडियोस बना के प्रॉब्लम सोल्यूशन अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो से क्या करेंगे, मेरे चैनल से क्या करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। आज का वीडियो यही एंड करते हैं, थैंक यू।